नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सोहन शर्मा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी टेस्टी नाश्ता, सूजी का हांडवी। सूजी का ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी नाश्ता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सोहन शर्मा किचन किंग में। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन का बटन ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम बनाते हैं सूजी का हांडवी। तो ये मैंने सूजी ली है 100 ग्राम और दही लिया है 100 ग्राम। इन दोनों को मैं मिला देता हूँ एक साथ, इसका पेस्ट बना लेता हूँ। तो चलिए इसको मैं मिला लेता हूँ, दही और सूजी को। बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट नाश्ता बनता है ये, बहुत क्रिस्पी होता है। और इसके अंदर मैं आधा गिलास पानी डाल दिया, यानी कि मैंने 100 ग्राम पानी भी इसके अंदर डाल दिया। नमक डाला है मैंने 1 टीस्पून, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अब इसको मैं अच्छे से मिला लेता हूँ इस तरीके से और इसे 15 मिनट के लिए रख देता हूँ। 15 मिनट के लिए इसे भीगने के लिए रख देना है। तो चलिए हम तैयारी करते हैं। दूसरी है, एक प्याज, एक शिमला मिर्ची, 2 टमाटर और हरा धनिया कटा हुआ, ये सब मैंने ले लिया। इन्हें मैं अच्छे से वॉश कर लेता हूँ और बारीक काट लेता हूँ। प्याज को मैंने बारीक काट लिया, शिमला मिर्ची को बारीक काट लिया, हरी मिर्ची को बारीक काट लिया और टमाटर को बारीक काट लिया, हरा धनिया को बारीक काट लिया है। इन सब को मैं उसके अंदर अब मिला देता हूँ। 15 मिनट बाद हम घोल को चेक कर लेते हैं, इसका जो बैटर है उसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, भीग चुकी है हमारी सूजी 15 मिनट के बाद। तो चलिए इसके अंदर में हम हरी मिर्ची, बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटे हुए प्याज और बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची और हरा धनिया इसके अंदर हम मिला देते हैं। इसको अच्छे से हिला लेते हैं। ये धनिया, हरा धनिया मैं मिला देता हूँ इसके अंदर और इसको अच्छे से मिला लेना है ऊपर नीचे करके। और अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 टीस्पून इनो, ये मैंने डाल दिया है। नमक मैं पहले ही डाल चुका हूँ मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से अगर कम लगे तो और इसमें ले सकते हैं स्वाद अनुसार। तो चलिए ये घोल को हम इस तरीके से मिला लेते हैं। घोल को अच्छे से मिला लिया है, इसको इस तरीके से अच्छे से मिला लेना है। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी नाश्ता होता है ये। हमारा घोल बिल्कुल तैयार है, पूरी तरीके से मिल चुका है ये। इतना गाढ़ा होता है आप देख लीजिए, इस तरीके का इसे रखना है। तो चलिए हमें कढ़ाई के अंदर इसको हम डालेंगे। तो हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए, राई और कड़ी पत्ता, यानी कि मीठा नीम और राई चाहिए हमें। तो चलिए हमें एक छोटी सी कढ़ाई गैस पे चढ़ा लेते हैं। गैस ऑन कर लिया है, गैस फुल फ्लेम पे है, गैस को ऑन कर लिया है मैंने। अब इसके अंदर हम हल्का सा ऑयल डालेंगे, यानी कि तेल डालेंगे हल्का सा। ये देखिए, थोड़ा सा तेल डालना है, एक टेबल स्पून के बराबर तेल डालना है हमें इसके अंदर। अब ये जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाता है तो हम इसके अंदर राई डाल देते हैं थोड़ी सी, 1/4 चम्मच राई डाल देते हैं इसके अंदर। ये राई जैसे ही तड़तड़ाने लग जाती है इसके अंदर कड़ी पत्ता डाल देते हैं और अब हम इसके अंदर घोल डाल देते हैं। ये जो हांडवी का जो घोल मैंने बना रखा है ये इसके अंदर हम डाल देते हैं। 2 चम्मच डाला है मैंने, देखिए इस तरीके से इसको मैंने राउंड कर दिया है। और अब इसको मैं 3 मिनट के लिए ढक कर रख देता हूँ। 3 मिनट तक गैस को कम कर देता हूँ, धीमी आंच पे कर देता हूँ गैस को। और 3 मिनट के बाद देखिए, ये 3 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये नीचे से ऊपर से पता लग जाता है किनारी से कि ये ब्राउन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ब्राउन हो चुका है ये नीचे से, तो इसको हम एक बार पलट देते हैं और फिर से इसे 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे रख देते हैं ढक्कन लगा के। तो फिर हम 3 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। तो ये हमारा हांडवा पूरी तरीके से बनकर तैयार है खाने के लिए। तो देखिए, इसको हम पलट कर देख लेते हैं। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता है, ये आप किसी भी टाइम खा सकते हो। बिल्कुल कम ऑयल का नाश्ता है, बिल्कुल कम तेल का नाश्ता है और बच्चों के टिफ़िन में भी आप इसे दे सकते हो और ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, क्योंकि ये सूजी का नाश्ता है। उसके बाद इसके अंदर इनो भी है, तो ये बहुत ही हल्का नाश्ता है। तो आप इसे बनाइए, ज़रूर खाइए
और मुझे बताइए, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए कोई चीज़ बताने के बारे में, तो आप नीचे पब्लिक कमेंट्स में जाइए, वहाँ लिख दीजिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब का जो लाल बटन है उसे काला कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए, इसको मैंने कट कर लिया है 4 टुकड़ों में और इसको अब मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लेता हूँ। इसे हम हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, टमाटर सॉस के साथ भी खा सकते हैं और नारियल की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में, इवनिंग में, किसी भी टाइम हम इसे बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए, ये परोसने के लिए हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट बना है ये, एकदम परफेक्ट, एकदम बढ़िया और क्रिस्पी बना है ये। देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी होता है। तो बनाते रहिए, खाते रहिए और बता